हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों द्रव्य स्थैतिकी के संबंध में अध्ययन किया था और उसके विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों ने विचार किया था, जैसे पास्कल का नियम क्या होता है ना। पास्कल का नियम गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किस प्रकार परिवर्तित होता है और पास्कल के नियम का अनुप्रयोग क्या क्या होता है, इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने विचार किया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। और द्रव्य स्थैतिकी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है बच्चों, जिसको हम लोग वायुमंडलीय दाब एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करना शुरू करते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को स्पेंड किए बच्चों शुरुआत करते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं बच्चों। तो वायुमंडलीय दाब को जानने से पहले हम लोग अपने वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसों के बारे में भी जान लेते हैं बच्चों कि वायुमंडल हम लोग किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग इस बात पर विचार करते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायु, है ना, वायु का एक मोटा आवरण है जिसमें विभिन्न गैसों का सामांगी, है ना, सामांगी मिश्रण उपस्थित है। विभिन्न गैसों का सामांगी मिश्रण उपस्थित है बच्चों, है ना, उपस्थित है। इस आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों कि वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक पृथ्वी है, तो इसके चारों ओर बच्चों वायु का जो है एक मोटा आवरण उपस्थित है, जहाँ पर जो गैस उपस्थित है ना, यहाँ पर गैस सभी स्थान पर सामांगी मिश्रण के रूप में उपस्थित है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के हर एक स्थान पर गैसों का यदि अनुपात निकाला जाए कि वहाँ ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, है ना, तो सभी जगह वायु गैसों का अनुपात समान निकलता है। इस प्रकार के मिश्रण को ही हम लोग सामांगी मिश्रण भी कहते हैं बच्चों। तो कौन कौन से गैस हम लोग के वायुमंडल में पाए जाते हैं बच्चों? यदि मान लेते हैं कि वायुमंडल हमारा शुष्क है, शुष्क वायुमंडल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत क्या क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। विभिन्न गैसों का प्रतिशत, सबसे पहला जो गैस यहाँ पर पाया जाता है उसको हम लोग नाइट्रोजन कहते हैं, है ना। नाइट्रोजन हम लोग के वायुमंडल में 78% मात्रा में पाया जाता है बच्चों, है ना। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन लगभग 27% ऑक्सीजन पाया जाता है बच्चों, 27% ऑक्सीजन है। उसके बाद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस है। उसके बाद लगभग 0.01% जो है वो हाइड्रोजन गैस है, कि शेष गैस में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, ये सब हम लोगों का शेष गैस है। जैसे यहाँ पे शेष गैसों के बारे में मैं लिख देता हूँ, जैसे हीलियम है, नियोन गैस है, ये सब हम लोग के वायुमंडल में 0.94% पाया जाता है। तो ये बातें आप लोगों को जानकारी में होनी चाहिए कि नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, है ना, ऑक्सीजन 27% पाया जाता है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% पाया जाता है, और हाइड्रोजन 0.01% पाया जाता है, और शेष गैस जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, है ना, वो 0.94% के रूप में पाया जाता है बच्चों, है ना। तो ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रतिशत क्या है उसका। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चों कि वायुमंडलीय दाब किसको कहते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब, इसको मैं डिफाइन करने से पहले आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, वायु का जो आवरण है,
है ना, पृथ्वी के चारों ओर, यहाँ पर मैं बनाता हूँ फिगर, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है ना, आवरण होता है, यदि इस आवरण को हम एक स्तंभ के रूप में मान लेते हैं, इस सीधा स्तंभ के रूप में, है ना, एक बेलनाकार पाइप के रूप में मान लेते हैं जो कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर वो दाब डालता है ना, वायु का जो हम लोग का वायु यदि चारों ओर उपस्थित है तो वह वायु क्या करता है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर दाब डालता है, या किसी भी पदार्थ जो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित है उसके ऊपर वो दाब डालता है। तो उस दाब की कल्पना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वायु स्तंभ को एक बेलनाकार पाइप के रूप में मान लेते हैं, एक बेलन के रूप में मान लेते हैं, है ना। तो ये जो बेलनाकार पाइप है, वायु का जो स्तंभ है ना, ये स्तंभ क्या करता है कि इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल a बराबर 1 होना चाहिए, मतलब एकांक होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होना चाहिए, एकांक क्षेत्रफल के वायु स्तंभ द्वारा, है ना, किसी भी वस्तु या पदार्थ पर वायु के द्वारा भार आरोपित जो किया जाता है उसी को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे कि देखिए, पृथ्वी के किसी भी सतह पर, है ना, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर वायुमंडलीय दाब संख्यात्मक रूप से उस वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो तथा यह स्तंभ वायुमंडल के ऊंचाई तक फैला रहता है। आपको यह बात समझ में आ गया होगा। देखिए, पृथ्वी के चारों और किसी भी स्थान पर वायुमंडल दाब संख्यात्मक रूप से उस वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो तथा यह स्तंभ उस स्थान, है ना, से वायुमंडल की ऊंचाई तक फैला रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यह पृथ्वी है ना, इसके चारों ओर वायु उपस्थित है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वायु को का एक स्तंभ, एक बेलनाकार स्तंभ के रूप में हम कल्पना करते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, एकांक है। अब इस स्तंभ का जितना भार होगा वही भार जो है ना, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। बात समझ में आ गया। तो सिंपल सा बात है बच्चों, दाब की परिभाषा हम लोग जानते हैं। यहाँ पर दाब की परिभाषा क्या होता है कि बल बटा क्षेत्रफल, है ना, दाब की परिभाषा क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। और बल जो है बच्चों भार के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि भार क्या है, एक बल है, तो भार बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर किसका भार है, तो यहाँ पर वायु स्तंभ का भार है, वायु स्तंभ का भार, है ना, यहाँ वायु स्तंभ का भार, और क्षेत्रफल तो एकांक हम लोगों ने माना, तो इसका मतलब है कि दाब जो है वायु स्तंभ का भार के बराबर होता है। किसी भी स्थान पर वायुमंडलीय दाब वायु स्तंभ के भार के बराबर होगा यदि वायु स्तंभ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक होता है। तो इसी को हम लोग वायुमंडलीय दाब के रूप में परिभाषित करते हैं। एकदम सिंपल सा बात है, दाब की परिभाषा हम लोग जानते हैं। एक बात और यहाँ पर आप लोग समझ जाइए बच्चों कि दाब कितना होता है, दाब कितना होता है, है ना, उसको यदि हम लोग संख्यात्मक रूप से हम लोग यदि कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे। देखिए, दाब का गणना करते हैं, वायुमंडलीय दाब का गणना करेंगे हम लोग। बात समझिए कि वायुमंडलीय दाब का गणना, है ना, वायुमंडलीय दाब का गणना करना है हम लोगों को, है ना, कैलकुलेशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर हम लोगों को निकालना है। तो आप एक बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब हम लोग कहते हैं कि पारे के स्तंभ के 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के भार को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो ये सब क्या चीज है, इसको आज हम लोग स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि वायुमंडलीय दाब को मानक रूप से ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग किस रूप से ज्ञान करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको परिभाषित करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे इसका मानक रूप से, है ना, मानक रूप से ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समुद्र की सतह पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर
ताप पर पारा का जो घनत्व होता है, पारा का जो घनत्व वो भी लिख देते हैं, पारा का घनत्व है ना, सारी बातें क्लियर कर दूंगा लेकिन थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करने दीजिए। पारा का घनत्व, पारा का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितना होता है मालूम है? 13.6 × 10³ kg/m³ होता है। देखिए मानक रूप से वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए समुद्र की सतह पर हम लोग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पारे का घनत्व, इस घनत्व का पारा का प्रयोग हम लोग करेंगे और वहां पर जो एक एक मेरा पास एपरेटस रहेगा, इस प्रकार का एपरेटस बना हुआ रहता है बच्चों, है ना, इसमें पूरा पारा भरा हुआ रहता है, इसमें है ना, इसमें पूरा पारा भरा हुआ रहता है और एक जो है एक परख नली के जैसा एक उल्टा परख नली को उल्टा कर इस पात्र में डुबा दिया जाता है तो पारा इसमें जितनी ऊंचाई तक चढ़ता है इसको हम लोग 76 सेंटीमीटर मानते हैं, है ना, कि पारा जो है समुद्र की सतह पर है ना जिसका घनत्व 13.6 × 10³ kg/m³ होना चाहिए, यदि आप लोग किसी पात्र में उसको डुबा करके उल्टा डुबा करके रख देंगे तो पारा उसमें 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। तो इस ऊंचाई पर है ना, इस ऊंचाई पर इस पारे का जो भार होता है ना, इस ऊंचाई पर पारे का जो भार होगा उसी भार को हम लोग वायुमंडलीय दाब के रूप में डिफाइन करते हैं बच्चों। फिर से समझिए बात को, थोड़ा जटिल बातें हैं यहाँ पर, कि मानक रूप से हम लोगों को वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए किस जगह का प्रयोग करेंगे? समुद्र की सतह का, वहां का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और पारा जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसका घनत्व 13.6 × 10³ kg/m³ का होना चाहिए, है ना। दूसरी बात है कि जो एक एपरेटस है उस एपरेटस में इस घनत्व का पारा डाल दिया गया और इसमें एक उल्टा परख नली डाल दिया गया, तो जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर का जो भाग होगा, यहाँ वायु जो है इस क्षेत्र पर अपना दाब डालेगी जिसकी वजह से पारा इसमें ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, तो पारा इसमें कितना ऊपर चढ़ेगा? 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा इसमें चढ़ जाता है। तो हम लोग समीकरण जानते हैं बच्चों, दाब बराबर कितना होता है? रो जी एच, ये समीकरण हम लोग जानते हैं। अब इस समीकरण का प्रयोग करके उस स्थान का हम लोग वायुमंडलीय दाब ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने किसका प्रयोग किया? पारा का। तो पारा का घनत्व हम लोग क्या जानते हैं? 13.6 × 10³ गुरुत्वत्वरण का मान जानते हैं 9.8 और पांच का मान जानते हैं 76 सेंटीमीटर पारा की ऊंचाई चढ़ा हुआ। तो 76 सेंटीमीटर है यहाँ पर, जबकि इसको मीटर में हम लोगों को व्यक्त करना है, उसको हम लोग मीटर में, अभी मैं 76 सेंटीमीटर ही लिख दिया हूँ लेकिन जब इसको हम लोग मीटर में व्यक्त करेंगे तो क्या होता है? 100 से इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 13.6 × 10³ 9.8 और यहाँ पर 0.76। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका वैल्यू मुझे याद है, मैं वो लिख देता हूँ 1.013 × 10⁵ ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये वायुमंडलीय दाब हमको समुद्र की सतह पर प्राप्त होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है आप लोगों को मालूम पता चल गया होगा बच्चों। तो वायु के द्वारा समुद्र की सतह पर कितनी दाब डाली जाती है, यह समुद्र की सतह पर कितनी दाब डाली जाती है? तो इतना दाब डाला जाता है। इसको मापन करने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक बैरोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों। तो इस बैरोमीटर का काम सिर्फ क्या है? लगभग पारे की ऊंचाई बता देता है, 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई। अब इस पारे की ऊंचाई पर कितना भार होगा या ये कितनी दाब डालेगा, समझ रहे? इस नली में जितना पारा चढ़ा है उस पारा जो है कितना भार लगाता है, कितने दाब लगाएगा, इसका समीकरण का प्रयोग करके मैंने ये दाब ज्ञात कर दिया। तो यह दाब किसके बराबर होता है? वायुमंडल के द्वारा पानी की सतह पर डाला गया दाब के बराबर होता है, जो कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और उस स्थान पर जहां हम लोग कैलकुलेट किए उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब यही होता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग इसको याद कर लिए हैं कि वायुमंडलीय दाब ये होता है, तो अब हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापन करने के लिए अलग अलग प्रकार की संयंत्र का ऑपरेटर हम लोग प्रयोग करेंगे, हम लोग जानेंगे, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहली बात है कि वायुमंडलीय दाब को मापन करने का यंत्र कौन कौन सा है? देखिए वायुमंडलीय दाब का मापन हम लोग कैसे करते हैं? वायुमंडलीय दाब का मापन हम लोग किस तरह करते हैं यहाँ पर आप देखिए। तो सबसे पहली बात है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए है ना, जिस वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो बैरोमीटर बनाया गया है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है जिसका आविष्कार टॉली सेली ने 1643 ईस्वी में किया था
अब ये किस प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें रियल में होता क्या है, मैंने इसके बारे में कुछ आप लोगों को बता दिया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा इसमें एक पात्र होता है, इस प्रकार का एक पात्र होता है जिसमें पारा भरा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, एक पारा भरा हुआ होता है, और एक क्या किया जाता है कि उल्टा एक पोत नली जैसा बिल्ली की नली जैसा इसमें उल्टा डिजाइन होता है। चले
तो दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, खुली नली का दाब मापी कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार का यंत्र होता है बच्चों, आप लोग उसको थोड़ा सा देख लें, है ना। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये एक आपका मान लेते हैं कि एक बल्ब है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कांच का यहाँ पर एक बल्ब होता है, इस तरह करके कांच का बल्ब होता है, है ना। इस कांच के बल्ब को एक दूसरे बल्ब में इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस तरह करके, है ना। ये कनेक्टर है, इसको हम लोग कनेक्टर कहते हैं बच्चों, है ना, इसको कनेक्टर कहा जाता है। और ये जो है एक नली में इस प्रकार चले जाती है, ये इस प्रकार एक नली में चले जाती है, यहाँ पर भी इस प्रकार एक नली होती है, इस तरह नली बनी रहती है। और ये सिरा जो आप देख रहे हैं, ये सिरा खुला रहता है, वायुमंडलीय दाब पर रहता है, और इसमें जो होता है पारा भर दिया जाता है यहाँ पर, है ना। इसमें पारा भी भर दिया जाता है, कोई दूसरा द्रव्य भी भरा जाता है। यदि हमको अधिक, है ना, अधिक दाब मापना है, अधिक दाब, दाब का मात्रा अधिक है और उसको हमको मापना है, तो यहाँ पर पारा को भर दिया जाता है। लेकिन यदि कम दाब यदि हमको मापना है, कम दाब मापने के लिए इसमें कोई हल्का द्रव्य भर दिया जाता है कि नहीं। पारा तो काफ़ी भारी होता है बच्चों, है ना, बहुत भारी होता है,
तो इस प्रकार का यहाँ पर क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं दाब को माप लेते हैं। यहाँ पर जो दाब लग रहा है वायुमंडलीय दाब है वो कितना दाब है, पी ए दाब है, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी स्थान का दाब हमको मापना है, किसी भी स्थान का हम लोगों को दाब, या किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का या किसी भी गैस का यदि हम लोगों को दाब मापना है। मान लेते हैं कि हम मेरे पास एक गैस है, उस गैस का दाब कितना है, हमको उसका मापन करना है, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बल्ब होता है, ये रबर का यहाँ पर जो लगा हुआ है, यहाँ पर पाइप, ये पाइप किसका लगा होता है, रबर का पाइप, ये रबर का पाइप होता है, ये रबर का पाइप होता है, और इसको कनेक्टर कहा जाता है ना। इसको क्या करते हैं, कनेक्टर, मतलब ये पाइप को जोड़ने का काम करता है, मतलब ये वाली नलिका को रबर के पाइप से जोड़ने का काम करता है, इसको कनेक्टर कहा जाता है। और ये कांच का बल्ब होता है। यदि हमको जिस गैस का दाब हमको ज्ञात करना है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बल्ब को, ये क्या है बल्ब, ये क्या है मेरे पास बल्ब है, है ना। इस बल्ब को हम लोग क्या करते हैं कि उस गैस के अंदर डाल देते हैं। तो मान लेते हैं कि उस गैस का दाब कितना है, उस गैस का दाब यहाँ पर मेरा पी है। तो इस दाब के कारण यहाँ के अंदर में जो भी तरह का गैस होगा वो गैस क्या होता है, प्रसारित होगी होगी, और ये पारा की सतह पर यहाँ पर दाब डालेगी। मतलब कहने का मतलब हो गया कि पारे की ऊपर सतह पर यहाँ पर दाब कितना होगा, पी, और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब होने के वजह से यहाँ पर पारे की ऊपरी सतह पर दाब कितना होगा, पी ए, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, है ना। अब हम लोग इसको क्या मान लेते हैं कि ये जो पारा है, अब इस दाब के कारण यदि दाब यहाँ पर ज़्यादा होगा, वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होगा, तो ये इसको दबाएगा तो इधर का भाग ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस दाब के अधीन यहाँ पर जो पारा चढ़ा है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई y1 है, और यहाँ पर जो पारा चढ़ा हुआ है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई y2 है। ये बात समझ में आ गया बच्चों। हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझा देंगे बच्चों इसके बारे में, है ना। देखिए होता क्या कि यहाँ पर दाब इसका P1 है, लेकिन पारा जब यहाँ पर चढ़ा हुआ है, ये y1 गहराई तक है इसमें पारा, यहाँ तक कितना है y1 गहराई तक इसमें पारा यहाँ पर। तो आप बता सकते हैं कि पारा के कारण यहाँ पर कितना दाब लगेगा, पारा के कारण इस बिंदु पर दाब, और सिर्फ पारा के कारण इस बिंदु पर दाब। तो यहाँ पर दाब पारा के कारण, ये y1 ऊंचाई तक, आपको याद रहना चाहिए कि ऊंचाई के कारण भी दाब में परिवर्तन आता है, है ना। तो जैसे कि हम लोग समीकरण भी जानते हैं, P इज इक्वल टू रो जी एच होता है, h के मान में परिवर्तन होगा, दाब के मान में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो पारा है y1 ऊंचाई तक चढ़ा हुआ है, अर्थात इस बिंदु का दाब कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं रो जी, और यहाँ पर हो जाएगा वाई वन, और इस बिंदु का दाब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ वाई टू ऊंचाई तक पारा चढ़ा हुआ है, इसलिए कितना हो जाएगा रो जी y2। तो कुल दाब कितना होगा, यहां तो दाब हो गया सिर्फ पारा के वजह से, अब p दाब भी इस पर लग रहा है और पारा का भी दाब लग रहा है, तो इस बिंदु पर कुल दाब कितना हो जाएगा, p प्लस रो जी, और ये हो जाएगा y1। और इस बिंदु पर तो है ना सिर्फ पारा का जो दाब है वो कितना है, रो जी y2 है, लेकिन यहां पर वायुमंडलीय दाब भी काम कर रहा है, तो कुल दाब यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कुल दाब हो जाएगा p a प्लस रो जी, यहां पर हो जाएगा y2, इतना दाब हो जाएगा, कुल दाब हो गया। तो इस या दाब संतुलन की अवस्था में रहता है बच्चों, है ना। यदि ये आप देखिएगा कि जब नली में आप शुरुआत जब करते हैं तो पारा की ऊंचाई दोनों का समान होता है ना, पारा की ऊंचाई समान होगा, यहाँ से पारा यहाँ तक होगा, मतलब समान ऊंचाई पर पारा अपनी अवस्था को बनाए रहता है। जैसे ही ये बल्ब को आप गैस में डालेंगे तो गैस का दाब अधिक होने के वजह से, वायुमंडलीय दाब के से अधिक या कम भी हो सकता है ना, अधिक होने के वजह से वो पारा की सतह पर दाब डालता है, जिसके वजह से पारा यहाँ पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो आपको मैंने बताया बच्चों कि यहाँ पर पारा ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना है ना, वो किस कारण होता है, वो इस कारण होता है कि वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडल में उपस्थित हवा पारा की सतह पर जो बल लगाता है वो द्रव्य स्तंभ में जो चढ़ा हुआ भार से संतुलित हो जाना चाहिए, पारा के भार से संतुलित हो जाना चाहिए, तभी जाकर के पारा नली में चढ़ना रुक जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बातें हुई है। तो इस सतह पर, यहाँ पर तो देख रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तो समान है, अतः इस बिंदु का दाब और इस बिंदु का दाब दोनों समान होगा। तो इस यंत्र के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये दाब बराबर ये दाब होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी प्लस रो जी वाई वन इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा पी ए प्लस रो जी, यहाँ पर हो गया वाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे, पी ए को इधर कर देंगे, तो ये हो गया पी, है ना, पी माइनस ये हो गया पी ए।
अब ये टर्म को बराबर के उधर करेंगे तो रो जी ये हो गया वाई टू माइनस यहाँ पर हो जाएगा रो जी वाई वन, इसमें से रो जी को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ये हो गया वाई टू माइनस वाई वन, है ना। तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों को ऊंचाई को माइनस कर देंगे, है ना, माइनस कर देंगे तो ये दाब मेरा ज्ञात हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष दाब कहा जाता है, मतलब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष दाब मेरा ज्ञात हो जाएगा। ये y1 यहाँ पर यदि स्केल लगा हो, यहाँ पर भी यदि स्केल लगाओ तो ये कितनी ऊंचाई तक पारा चढ़ा हुआ है, यहाँ पर कितनी ऊंचाई तक पारा चढ़ा हुआ है, ये हम ज्ञात करेंगे। पारा का घनत्व मुझे मालूम है, गुरुत्व त्वरण का मान मालूम है, तो ये सापेक्ष हम लोगों को दाब पता चल जाएगा। तो पी माइनस पी वन क्या है, देखिए उस गैस का, है ना, उस गैस का वायुमंडलीय दाब के, उस गैस का वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष दाब है, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष दाब है। और P क्या है, तो निरपेक्ष दाब, इसको कहते हैं निरपेक्ष दाब। मतलब यहाँ सापेक्ष मतलब होता है कि गैस का दाब की तुलना वायुमंडलीय दाब के साथ किया जा रहा है, और P प्योर दाब है, निरपेक्ष दाब है। तो इस प्रकार का हम लोग एपरेटस का प्रयोग करके किसी भी चीज़, गैस का चाहे लिक्विड का, है ना, किसी चीज़ का भी दाब हम लोग माप कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि वायुमंडलिक की ऊंचाई हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन के द्वारा ज्ञात करेंगे। देखिए वायुमंडल की ऊँचाई हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, वायुमंडलीय ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ऊंचाई जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो हम लोग इसमें एक का, है ना, इसमें एक एग्जम्पशन हम लोग ये मान के चलेंगे कि वायु का जो हवा का घनत्व है ना पूरे वायुमंडल में समान है, हवा का घनत्व समान है। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा होता नहीं है कि वायु का घनत्व जो होता है ऊंचाई के साथ साथ धीरे धीरे घटता जाता है ना। वायु का घनत्व अर्थात वायु धीरे 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 हल्की होते जाती है, हल्का हवा का घनत्व भारी हवा के तुलना में कम होता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, हवा क्या होती है, हल्की होती जाती है, हवा हल्की, और हल्की हवा का घनत्व क्या होता है, कम होता है, हल्की हवा का घनत्व कम होता है बच्चों, ये बात हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वायुमंडल की ऊँचाई ये मान करके करेंगे कि, है ना, कि हवा का घनत्व पूरे वायुमंडल में समान है। हम लोग देखिए यहाँ पर यह करेंगे कि हवा का घनत्व, हवा का घनत्व, हवा का घनत्व संपूर्ण वायुमंडल में समान है, संपूर्ण वायुमंडल में, संपूर्ण वायुमंडल में समान है, संपूर्ण वायुमंडल में समान है, ये चीज़ हम लोग मान करके चलेंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन सही नहीं होगा, गलत होगा, हम जानते हैं, लेकिन देखेंगे हम लोग क्या होता है। संपूर्ण वायुमंडल में समान है तो हम लोग समीकरण भी जानते हैं बच्चों, P इज इक्वल टू रो जी एच होता है, है ना, रो जी एच। तो एच यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा पी बाय यहाँ पर हो जाएगा रो जी। तो पी वायुमंडलीय दाब मुझे मालूम है कितना होता है वायुमंडलीय दाब, तो 1.013 × 10⁵ मीटर, है ना, क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये वायुमंडलीय दाब हम लोगों ने अभी तुरंत कैलकुलेट किया। जो घनत्व होता है, हवा का जो घनत्व होता है बच्चों, वो कितना होता है, 1.030 × 10⁵ ये भी होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, ये हवा का घनत्व है। ये चीज़ मान करके चल रहे हैं कि संपूर्ण वायुमंडल में हवा का घनत्व समान है। और गुरुत्व त्वरण का मान हम लोग जानते हैं 9.8 यहाँ पर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी बातों को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो h बराबर p का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे बच्चों कितना है, देखिए 0.013 × 10⁵ घनत्व का भी मान रखेंगे तो यहाँ पर होगा 1.030 × 10⁵ और फिर g का मान हो रखेंगे 9.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार का वैल्यू निकलेगा जो मुझे याद है, है ना, देखिए 7.95 × 10³ होता है। तो इस मीटर को यदि हम लोग किलोमीटर में यदि व्यक्त करेंगे बच्चों तो मेरा कितना निकल जाएगा, देखिए तो 7.95 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग इसको 8 किलोमीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन के जरिए वायुमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर हम लोगों ने प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पर यह कंसेप्ट था बच्चों कि वायुमंडल में हवा का जो घनत्व है हम लोगों ने संपूर्ण स्थान पर या सभी जगह पर समान माना था। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा होता नहीं है कि हवा का घनत्व जो है परिवर्तनशील होता है, है ना। देखिए हवा का घनत्व, हवा का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है, हवा का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है,
हवा का घनत्व तो ऊंचाई के साथ घटता जाता है। कहा भी जाता है कि 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर छः किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा का घनत्व तो जो होती है आधी हो जाती है ना। इसका मतलब है कि 1/2 होता है हवा का घनत्व। 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा का घनत्व तो जो होता है 1/4 हो जाता है ना। इस प्रकार हवा का घनत्व तो जो होता है क्रम के अनुसार बदलता रहता है। ये कैलकुलेशन सही नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से यदि आप लोग प्रयोग के आधार पर है ना, या प्रयोग करने के दृष्टिकोण के आधार पर यदि हम लोगों को प्रयोग करना है और वहाँ पर मान लेना है कि वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो है ना, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर हम लोग लेते हैं कि वायुमंडल की ऊंचाई 1200 किलोमीटर होती है। लेकिन वास्तविक रूप से मुझे मालूम नहीं है कि वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं हवा का घनत्व तो घटता जाता है और इतना घट जाता है कि हम लोगों को आभास भी नहीं होता है बच्चों कि वहाँ पर हवा है भी कि नहीं है। तो ये एक सीमा रेखा खींचना संभव नहीं है कि नहीं यहीं पर जो है वायुमंडल का अंत हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मान लीजिए पृथ्वी है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो हवा का घनत्व जो होता है घटता जाता है और अंततः ऊपर की हवा का घनत्व इतनी पतली हो जाती है ना कि पता भी नहीं चल पाता है कि यहाँ पर हवा है या भी नहीं है। अर्थात हम लोग यहाँ पर कोई डेडलाइन या सीमा नहीं खींच सकते हैं कि वायुमंडल की ऊंचाई इतना भी है। हो सकता है कि इसके नीचे भी वायुमंडल खत्म हो गया हो या इसके ऊपर भी वायुमंडल उपस्थित हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रयोग जहां हम लोग करते हैं तो वहां पर 1200 किलोमीटर की ऊंचाई हम लोग एटमॉस्फेयर का मानते हैं। तो आज मेरा वीडियो इतना तक ही रहेगा बच्चों। आप लोग आज मैंने आप लोगों को जितने बारे में बताया है उसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बारे में आप समझें। यदि कहीं भी आप लोगों को समझने में दिक्कत आती है तो आप लोग अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें, मैं उसका समाधान उसका सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों ने जो आज मेरा वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के साथ पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मुझे बाय बाय कहें है ना, बाय बाय बच्चों है ना, लॉट्स ऑफ थैंक्स, जय हिंद। Find the real me.